कोविड-19 के कारण लंबे समय से बंद चल रहे विद्यालय 19 अक्टूबर 2020 से खुल गए हैं। लक्ष्मी नारायण जगदीश सरन कन्या इंटर कॉलेज कटघर मुरादाबाद में दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से छात्राओं हेतु पठन पाठन प्रारंभ हुआ। विद्यालय दो पालियों में चल रहा है। प्रथम पाली में कक्षा 9 व 10 तथा द्वितीय पाली में 11 व 12 की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। प्रत्येक पाली के बाद पूरे विद्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। अभिभावक का अनुमति पत्र लेकर छात्राएं अभिभावक के साथ विद्यालय आ रही हैं। केवल उन्हीं छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास अभिभावक का अनुमति पत्र है। विद्यालय के मुख्य द्वार पर सभी छात्राओं अध्यापिकाओं तथा कर्मचारियों की सैनिटाइजिंग व थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। जिन छात्राओं या अभिभावकों के पास मास्क नहीं है उन्हें निःशुल्क मास्क वितरित किए जा रहे हैं। प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोले बनाए गए हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। कक्षाओं में भी छात्राओं को आपस में 6 फीट की दूरी पर बैठाया जा रहा है। इस प्रकार विद्यालय में कोविड-19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पूरी कड़ाई व सतर्कता से पालन किया जा रहा है। इसको लेकर बच्चे कॉलेजों में नहीं आ रहे हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? मैं लक्ष्मी नारायण जगदीश सरन कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती विमलेश कुमारी। विद्यालय खोलने से पूर्व SOP के अंतर्गत दी गई गाइडलाइन के अनुसार पूरी व्यवस्था कर ली गई थी, लेकिन अभिभावकों द्वारा कम से कम 65 बच्चों की परमिशन आ चुकी है, सहमति आ चुकी है, लेकिन अभी भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में बहुत कम भेज रहे हैं। संख्या बहुत कम है बच्चों में आने वालों की, और साथ ही जबकि पूरी विद्यालय में सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है, थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, हाथ धुलवाए जाते हैं गेट पर ही, तब प्रवेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों के पास या गार्जियन या अभिभावक के पास मास्क नहीं होते हैं उनको मास्क दिए जाते हैं। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाता है। विद्यालय में एंट्री से लेकर के और रूम तक गोले बनवाए गए हैं जिससे वो एक दूसरे के नज़दीक ना आ सकें, और पूरा 6 फीट की दूरी पर व्यवस्था की गई है खड़े होने की, जाने की। और साथ ही उन बच्चों को जो क्लासेज हो रही हैं वो भी रूम में सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर सेटिंग प्लान किया गया है जिससे कि वो, और साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि वे एक दूसरे के नज़दीक बिल्कुल नहीं आएंगे, अपनी अपनी सीट पर बैठेंगे। डेली सैनिटाइज किया जाता है स्कूल को, रूम्स को जहाँ पर कक्षाएं लगती हैं, जिससे कि इससे बचा जा सके। और टीचर्स भी जाकर के कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, कोरोना से बचाव के बारे में पूरी बच्चों को समय समय पर और अभिभावकों को जानकारी देते रहते हैं। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों के बने हुए हैं, जो बच्चे यहाँ नहीं आ रहे कॉलेज में तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है।